Hey guys, okay, it is our last day with this beautiful view, our room, our hotel. It is our last day. अभी हम रेडी हो रहे हैं जाने के लिए एंड हम यहाँ से चलेंगे मुन्नार. तो अब हम दो दिन तक मुन्नार में रुकेंगे एंड फिर हम चलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे. तो ऐसे है कुछ प्लान हमारा. बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ का व्यू. सैडली आज इसको बाय करना पड़ेगा बिकॉज़ हमारा 3 दिन यहाँ पे हो चुका है. 3 नाइट्स का बुकिंग था एक्चुअली यहाँ पे. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये काफ़ी ऊपर है. मतलब बेस्ट डिसीजन था हम लोगों का यहाँ पे होटल बुक करने का. व्यू भी हमको काफ़ी अच्छा मिला एंड उसके साथ साथ जो वेदर है, मतलब सीरियसली आपको नीचे सिटी में इतना अच्छा वेदर एंड इतना अच्छा व्यू नहीं मिलेगा. जब आप ऊपर आते हो ना, आपको बारिश भी हो रहा था, क्लाउड भी लिटरली होटल के पास से ही जा रहा था एंड इतना मज़ा आ रहा था देखने में एंड इन्जॉय करने में. तो जो आप हिल स्टेशन में जाते हो ना, ट्राई करो कि ऊपर ऊपर ही रूम लो. बहुत ही अच्छा, मतलब थोड़ा सा डरावना स्केरी लगता है रात को, बट जब सुबह उठते हो ना, उससे अच्छा व्यू आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा. सो या लेट्स गो. अभी हमारा यहाँ पे हो चुका है डन. अभी हम थोड़ी देर में चेकआउट करेंगे. पैकिंग वगैरह हो चुका है, रूम को पूरा फैला दिए हैं. ओब्वियसली इट इज़ आर यू नो जो रिचुअल नहीं बोलते हैं, कहीं पे भी जाते हैं वो कर लेते हैं, वो हो चुका है. बाप बेटे दोनों रेडी हो चुके हैं. एज यू कैन सी, लेट्स गो. थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके हम चलते हैं. मैंने कोई न्यू ड्रेस नहीं पहनी है, इट्स बिकॉज हमको अभी ट्रैवल ही करना है एंड इट विल टेक ओनली 4 to 5 hours यहाँ से मुन्नार जाने के लिए. ज़्यादा कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. सो वहाँ पे जाके फिर होटल पे चेक इन करके अच्छा ड्रेस पहन के रेडी होके चलेंगे मुन्नार एक्सप्लोर करने के लिए. वहाँ पे 2 days का बुकिंग्स है. सो या लेट्स गो. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. So we are here for our lunch. Hum pahunch chuke hain मुन्नार में एंड मुन्नार में पहुंच के हम यहाँ पे लंच कर रहे हैं. इसके बाद हम होटल में चेक इन करेंगे. व्यू तो बहुत अच्छा था, बाहर बारिश भी हो रहा है, बट लेट्स सी यहाँ पे खाना कैसा है. काफ़ी अच्छा लग रहा है होटल. तो ये है बेल माउंट. सो दिस इज़ द एंट्रेंस व्हेन यू विल एंटर. दिस इज़ अ डाइनिंग एरिया. ओके, एक्चुअली देयर आर 4 rooms बट नो वन इज़ देयर. सो वी आर 2 families एंड दिस इज़ आर रूम. ओके, वी आर गेटिंग, आर कार इज़ पार्क देयर, इज़ अ सीटिंग एरिया एंड व्हेन यू विल एंटर टू द रूम, दिस इज़ द बेडरूम एंड टीवी. Here we have a dressing section and we have a, okay, I don't know where the light is. So here is the wardrobe and beautiful cleanest bathroom with a mirror. बहुत बहुत सही दिया है यहाँ पे, मतलब प्लम का दिया हुआ है सब कुछ. ओके, सो बेसिकली दिस इज द बेडरूम एंड यहाँ से आपको वैसे भी व्यू मिल जाता है, ठीक है, बट फिर भी वी हैव अ बालकनी ओवर हियर एंड दिस इज द बेस्ट व्यू यू विल सी. एंड दिस इज द मेन रीज़न, यहाँ पे सीटिंग एरिया भी है. ये मेन रीज़न था जिसकी वजह से हमने यहाँ पे बुकिंग करवाया था, ताकि थोड़ा सा दूर है सिटी से, बट आपको व्यू बहुत सुंदर देखने को मिलेगा. इट्स सो ब्यूटिफुल. सुबह आप उठोगे ना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा. सो मैं आपको मिल रही हूँ 1.5 घंटे के बाद, ठीक है. हम लोग मुन्नार में पहुँच चुके हैं. आते आते इतने ब्यूटीफुल व्यूज़ देखे हम लोग, मज़ा आ गया. तो हम लोग सोचे कि चलो भाई चलते हैं, इवनिंग में थोड़ा घूम के आते हैं. इवनिंग मतलब इट इज़ 5:30 एंड हमारे पास टाइम है. एक्चुअली हमने जो होटल ये बुक किया है ना,
बहुत ही अच्छा होटल है, बहुत सही होटल है, लेकिन जो मार्केट है ना उससे थोड़ा दूर है, दूर मतलब 10 किलोमीटर्स दूर है, ऊपर है। इट्स बिकॉज अगर आप सिटी के अंदर रहते हो ना तो आपको थोड़ा सा नॉइजेस वगैरह भी आता है एंड आपको व्यू देखने को नहीं मिलता है, जो ग्रीनरी एंड ऑल सिटी के अंदर अगर आप रहोगे ना तो सिटी के अंदर का व्यू मिलेगा। सो हमको चाहिए था कि हमको थोड़ा सा अच्छा व्यू चाहिए एंड थोड़ा सा नॉइज से रोड से दूर चाहिए। सो इसलिए हमने ये वाला होटल चूज़ किया एंड वैसे भी हमने खुद गाड़ी लिया है तो कुछ टेंशन नहीं है, हम जा सकते हैं आराम से 10 किलोमीटर से आ जा सकते हैं। सो इसलिए ये होटल मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, थोड़ा सा ही रेस्ट करने के लिए टाइम मिला, लेकिन हमने सोचा कि उन्होंने एक दिन वेस्ट नहीं करते हैं, अभी हम निकल जाएंगे, आसपास जो भी है मार्केट वार्केट वो सब कुछ देख लेंगे एंड जो भी मतलब कुछ अगर अच्छा खासा मिलेगा तो शॉपिंग भी कर लेंगे, ऐसे देखते हैं क्या प्लानिंग है। एंड फॉर नाउ मैं रेडी हो चुकी हूँ, दिस इज़ द OOTD, लेट मी शो यू, या लेट्स गो, चलिए एक्सप्लोर करते हैं मुनार। तो निकल के अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे जा रहे हैं सिटी के अंदर एंड रास्ते में व्यू देखिए, व्यू आपको इस तरफ नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग एंड मुनार पे कल रात को हम लोग स्टे करे थे, घूमने भी गए थे, आज सुबह रेडी होके हम जा रहे हैं मुनार एक्सप्लोर करने के लिए, फुल प्लेस मुनार एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब 11 to 12 प्लेसेस है, वी विल ट्राई कि हम ज़्यादातर जो है अच्छे अच्छे प्लेसेस कवर कर लें, अगर कुछ बचा तो फिर हम एक दिन एक्सटेंड करेंगे और कल रुकेंगे, अगर कुछ नहीं बचा तो हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर चलेंगे। सो यही है, मैं आपको मेरा OOTD दिखा देती हूँ, दिस इज़ द कप्तान आई एम वेयरिंग टुडे। मुझे बहुत दिनों से था कि मैं कप्तान पहनूंगी, तो जब यहाँ का प्लान बना तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुनार में इतना ठंड नहीं होता है, कोडाइकनाल में हो रहा था, यहाँ पे ओकेश काइंड ऑफ प्लेजेंट वेदर है, इतना गर्मी भी नहीं है ठंड भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कप्तान पहनती हूँ एंड काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। सो यार चलिए चलते हैं अभी मुनार एक्सप्लोर करने के लिए, सब रेडी हो चुके हैं अभी। एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑफ द माउंटेन, पूरा ऊपर सो या हियर आर दिस अमेजिंग प्लेस एंड यहाँ से पूरा ये बड़ा सा टी गार्डन का व्यू दिखता है, लॉट्स ऑफ माउंटेन्स एंड व्हाट अ व्यू, मैं आपको पूरा चारों तरफ का दिखाती हूँ। टिकट करके लाइक मैं आज हील पहन के आई हूँ, टिकट करके जा रहे हैं टी गार्डन के अंदर। Stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. I'm सोया हियर एट मडुपेटी डैम, यहाँ पे बोटिंग करने का सोच रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे लोकल मार्केट्स भी है, चलिए कुछ कुछ शॉपिंग करते हैं एंड फिर चलते हैं बोटिंग के लिए, वहाँ पे भी बोटिंग किए थे कोडाई पे, यहाँ पे भी करेंगे, मज़ा आता है, चारों तरफ पहाड़ है, ग्रीनरी है एंड बीच में आप बोटिंग करोगे उसका मज़ा ही अलग है। सो लेट्स गो, थोड़ा सा टायर्ड लग रही हूँ बट इट्स ओके।
चल रहा है बोटिंग एंड लुक एट द व्यू. दिस इज समथिंग वर्थ वॉचिंग. वाओ इफ यू सी जूम करके. अभी लंच करने के लिए टू अपी और वेज रेस्टोरेंट. लेट्स सी यहाँ पे खाना कैसा मिलता है. 3-4 दिन से तो झेल ही रहे हैं इधर उधर. यहाँ पे देखते हैं. अच्छा तो लग रहा है बाहर से, सुंदर सा रेस्टोरेंट है. लेट्स सी यहाँ का खाना कैसा रहता है. हियर इट इज. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this. हम आए हैं एक ड्रीम लैंड फॉन एडवेंचरस प्लेस पे, जहाँ पे लिटरली क्या होता है बस गूगल में हमने देखा है. गाड़ी नंबर लास्ट का पैक है, मतलब सॉरी ड्रीम लैंड का पैक है. 1000 रुपीज पर हेड में ये सब कुछ कराएगा. ठीक है, स्नैक्स वगैरह भी है. टिकट काउंटर आ गया. नेक्स्ट काउंटर पे देख के टिकट ले. जैसे तुम बोल रहे थे ना वहाँ पे ऐसे पकड़ के, तो हमने बुक कर लिया है. अब सब करते हैं तूफानी करते हैं. ठीक है, आज कुछ तूफानी करते हैं जंगल के अंदर. इंटायर एरिया इसके अंदर सब कुछ करना है. वाओ हिल में एडवेंचर. लेट्स गो. आई एम सो एक्साइटेड. मतलब केरला में आके, मतलब यहाँ पे आके मुन्नार में सब कुछ एडवेंचरस करेंगे. चलो मजा आएगा. एवरीथिंग इज योर. ये करना है और ये हिल में भाभी पहले रोप. वाओ हम वो भी करेंगे क्या? आने के बाद सब है हमारे जहाँ जितना है. वाओ आज फुल एन एडवेंचर. ये कैसे करेंगे हम लोग? मान देगा ना, बंद करेंगे. डर लग रहा है उसमें, कर सकते हैं भाई. अगर मान लो नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? नहीं 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 बाप रे, मैं ये नहीं करूंगी, आप करो. अभी हम गए थे हॉरर हाउस के अंदर. मतलब जस्ट एंटर करते ही मैं भाग के आ गई. मतलब बाहर से साउंड बहुत ही फनी लग रहा है. मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप अंदर जाओगे ना इज सो क्रिंजी. मतलब पूरा अंधेरा है एंड छोटा सा प्लेस है, तो मुझे ना ऐसा दम घुटने जैसा लग गया. जैसे मैं एंट्री की आई वॉज बी लाइक मुझे बाहर जाना है. तो मैं तो आई आई मिश्र मांति को भी साथ में ले आई कि आप भी मत जाओ. सो हॉरर हाउस तो मैं नहीं जा रही. लेट्स सी नेक्स्ट एक्सपीडिशन पे. अरे यार वापस ना आ पाए तो देखो तुम कितने सारे हो. साइड देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो. दिस इज समथिंग डिफरेंट नो यार. नीचे गिर जाओगे देखिए. चिंता ता चिंता 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 ता ता. पर मैं हॉरर हाउस नहीं जा पाऊंगी यार, उसके अंदर सफोकेशन हो जाता है वेरी ऑनेस्टली. देखो वाओ अरे देखो, देखो ये तो अरे बिल्कुल आएगा.
चश्मा पहन लीजिए। फिर इसे कर दो। अयांश, आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस। सो नाउ वी आर हियर टू एक्सपीरियंस 12D। लेट्स सी, कहीं थप्पड़ वप्पड़ रियल में ना लग जाए। तो अभी जाएंगे रोपवे में, दैट इज ये चेयर वाला रोपवे। I'm super excited and super nervous. डर लग रहा है। हम फोन दे दो। जब मैं ये रोप वे से आ रही थी ना ऊपर इस वाले में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ये मेरे वेट संभाल ना पाके टूट ना जाए बस। बट इट वॉज यू नो, थोड़ा सा डर तो लगता है गाइस, मतलब हेवी पीपल कैन अंडरस्टैंड रिलेट टू मी। ओके, सो अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं, इसके अंदर लेट्स गो। फन होएगा, फन। देखो सहरी का आंसर क्या है। भाग जाता है वो। मेजर नारेना देखो आयांस भी गया है सैरिक कितना आप पीछे पीछे। कर लिए भाभी, बताओ कैसा लगा? लग रहा था मतलब आज के दिन का ये बेस्ट था एडवेंचरस, मतलब लगभग हमने सब किया है। अभी एक दो बचा है जो कि मैं नहीं करूंगी, मैं थक गई, मैं पागल हो गई। बाप रे बाप, सारे बचका नाच कर लिए, मतलब जितना कसर रह गया था ना सब कर लिया। प्लान करते हैं जैसे, चलो नेट वाले में फिर जाके। ये देखिए कितना खतरनाक है, जिंदा भी जाना है। ठीक है, ये देखो, से हेलो हेलो, वो दौड़ के आपके पास जा रहा है। वेरी नाइस। सैरी इसके बाद सैरी का Hey guys, good morning. It is the next day, next morning. It is our 5th or 6th day, and आज हम मुनार से निकल रहे हैं हमारे next destination के लिए, यानी कि ठेकेदी के लिए। रुकिए मैं आपके साथ बात करके मेकअप भी करूँगी ना।
सो ठिकड़ी जाने वाले हैं, फटाफट से मेकअप करते हैं बिकॉज आज थोड़ा सा लेट हो गया हम लोग उठते उठते। कल मुना का सफ़र बहुत अच्छा था, इतना ग्रीनरी, इतना ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया घूम के, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सबसे तो वो एडवेंचरस वाला अच्छा लगा हम लोगों को, क्योंकि ऐसा एक्टिविटीज़ एक प्लेस पे इतना सारा, मतलब 12 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ वहाँ पे थे, कहीं पे हम लोगों ने नहीं दिखाया आज तक, तो बहुत ही मज़ा आया। तो वो हम लोग अभी मैं ये वाला आउटफिट आज पहन रही हूँ, सो अगेन दिस इज़ अ कप्तान। कल मैंने एक वाइट कलर का पहना था एंड टुडे आई एम वेयरिंग दिस ट्रेडिशनल काइंड ऑफ, दिस इज़ नॉट एक्चुअली ट्रेडिशनल बट काफ़ी मरून कलर की वजह से काफ़ी वैसा वाइब देता है, बट इसको हम थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ करके पहनेंगे। आज ठिकड़ी जा रहे हैं, ठिकड़ी में देखते हैं अगर आज कंप्लीट हो गया घूमना, मतलब दो तीन ही अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं, तो अगर वो सारे कंप्लीट हो गए तो और रुकेंगे नहीं, ख़त्म करके रात को ही रिटर्न कर जाएंगे त्रिवेंद्रम। मतलब हार्डली 4 hours or 5 hours लगेंगे, अगर ख़त्म नहीं हुआ तो फिर नाइट स्टे वहाँ पे करेंगे। सो इट इज़ जस्ट लाइक 50-50, यू नो, नॉट 100% श्योर हम रुकेंगे कि नहीं वहाँ पे। ऑलरेडी 6 days हो गया है, मतलब मुझे ना घर का जो खाना है वो याद आने लगा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो आई वॉन्ट मेरी मम्मी के हाथ का खाना। चलो वो तो नहीं मिलेगा, पर ठीक है, घर का खाना तो मुझे चाहिए। अब 6-7 days हो गया है, कल तक तो 8 days हो जाएगा पूरा, 8-9 days हो जाएगा, बाप रे बाप। सो मेकअप करके फटाफट रेडी हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट आ चुका है। खाना यहाँ पे आपको ओकेश मिलेगा, यू नो साउथ में आपको हर जगह नॉनवेज मिलता है, सो इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, लुक साउथ में खाना तो बहुत अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं मिलता है, बिकॉज जो साउथ इंडियन लोग हैं उनके लिए तो ये बेस्ट खाना है, बट क्योंकि हम नॉर्थ इंडियंस हैं, हम लोगों को थोड़ा तीखा एंड हम लोगों को थोड़ा चटपटा, हम लोगों को थोड़ा अलग सा खाना चाहिए होता है, तो वो थोड़ा मन दिल नहीं भरता है। बट स्पेशली वेजिटेरियन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वीक में मैं 2-3 दिन वेज खाती हूँ एंड मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इट्स बिकॉज यहाँ पे प्योर वेज रेस्टोरेंट ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे वेज नॉन वेज खाते हैं, तो भर भर के आपको नॉन वेज रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। अदर देन दैट नॉन वेज रेस्टोरेंट भी जितने मैंने खाए बहुत ही सही थे। सो मेकअप हो गया।